ओके हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है, अब मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी की इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज। एंड क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ठीक है, हम इंडिया वापस आ रहे हैं तो पहली बात तो हम किस सिटी में जाएं, अगर कोई अभी फिक्स नहीं है और पेरेंट्स का होम टाउन का भी इतना कोई इशू नहीं है तो किस सिटी में जाए, और सिटी में भी प्रॉपर्टी कौन सी सिलेक्ट करें। तो मैंने आज इनवाइट किया है हरी कृष्णा दीक्षित जी को, जिनकी एक अच्छी नजर है प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च की हुई है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को वहां विजिट करना है और उनसे कनेक्ट करना है। बाकी आज हम बात करेंगे गुड़गांव की, कि गुड़गांव में जो लोग आना चाहते हैं, जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रेंट पे रहना चाहते हैं, तो किस ब्रैकेट में क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने डिवाइड किया है अंडर 2 CR एंड अंडर 5 CR। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं हेमंत जी? ऑल गुड, ऑल गुड। सबसे पहले तो मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, काफी नीश है आपका चैनल। जिस तरीके से आप NRIs को वापस से इंडिया सेटल होने में हेल्प करते हैं और यहाँ के लोग जो एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, बाहर की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, उनको भी आप जेन्युइनली गाइड करते हैं। जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इस मामले में काफी यूनिक है आपका चैनल और काफी हेल्प करता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास क्वेरीज आती हैं ऐसे इंडिविजुअल से जो इंडिया सेटल होना चाहते हैं, मतलब उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जो NRIs इन्वेस्ट करते हैं, जनरली वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया का मार्केट उनको चीप लगता है, अफोर्डेबल लगता है। दे इन्वेस्ट इट एंड दे वांट टू ग्रो देयर मनी इन इंडियन रियल स्टेट या इंडियन स्टॉक्स वगैरह में भी इसी वजह से इन्वेस्ट करते हैं वो। बट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ यही आया है कि इन्हें इंडिया में सेटल ही होना है। अब सेटल होने के लिए जो ऑप्शंस हैं, टॉप 7-8 सिटीज हैं हमारे पास। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली NCT एज सच आज रहने लायक नहीं है। जो एरिया है शायद वो अब इतना अफोर्डेबल भी नहीं रहा है। जो ल्यूटेंस दिल्ली के आसपास, जनकपुरी, वसंत विहार, वसंत कुंज के आसपास के जो हम एरिया देखते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी उसकी है नहीं। जो बाकी के ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, दिल्ली NCR में अगर नोएडा की हो जाती है बात, फिर गुड़गांव की हो जाती है। अगर हम थोड़ा साउदर्न पार्ट में चलें तो हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है ही। अगर मैं दिल्ली NCT के बाद अगर किसी सिटी का नाम लूंगा तो मुंबई होगा, फिर आप गुड़गांव की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये सारे जो शहर हैं टॉप के 7-8 आज के डेट में, मेरे हिसाब से अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई जो पहले के अच्छे शहर रह चुके हैं, इससे आज के डेट में अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि भले ही वो किसी टाइम पर Tier 1 सिटीज थे, लेकिन आज वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं हैदराबाद, पुणे जैसे शहर से। इवन मुझे ऐसा लगता है कि कोची एंड कोयम्बटूर इज डूइंग बेटर देन कोलकाता, राइट? ये आज की स्थिति है ना? तो जो सिटीज हैं, हंट हमें इन्हीं टॉप 7 सिटीज पर करना चाहिए। इसके अलावा Tier 2, Tier 3 सिटीज में मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की, मतलब जिस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, जिस जिस एक्सपेक्टेशन के साथ NRIs यहाँ पर आना चाहते हैं, वो डिमांड्स आपके Tier 2, Tier 3 सिटीज में मीट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज प्लान की है। मेरे दिमाग में आइडिया है, क्यों ना जो हम लोग टॉप 7 टॉप 5 जो भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि NRI को बेस मान के बना रहे हैं, इसलिए हम वो सिलेक्ट बड़ी केयरफुली करेंगे कि उनको वो बहुत बड़ा कल्चर शॉक ना लगे कि जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सर्विसेज। तो इसलिए जैसे मैंने भी अपना रिसर्च किया, मैंने नोएडा सिलेक्ट किया, तो इसी तरीके से कोई रिसर्च कर उसको हेल्प मिले बेस्ड ऑन उसकी रिक्वायरमेंट किस सिटी में मीट हो रही है। आज का टॉपिक है, उसमें हम गुड़गांवा की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे गुड़गांवा के बारे में बताइए, वेरी ब्रीफली अबाउट द प्रॉन्स एंड कॉन्स बोथ। तो पहले आपने जो कल्चरल शॉक वाली बात बताई, मैं उस पर थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। आजकल जो यहाँ के स्कूल्स वगैरह हैं, ये सारे इंटरनेशनल IB वाले स्कूल्स हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला। इवन आप भी हैं, जैसे कॉस्मोपोलिटन एरिया है ये पूरा, जिन शहर का हमने नाम लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस आकर के यहाँ पर एंजॉय ही करने वाले हैं बहुत ज्यादा। आपको हाँ इस तरीके का फ्रीडम नहीं मिलता कि आप फ्रीली स्ट्रीट्स पर वॉक कर पाएंगे, हमेशा डर लगा रहता है। जब आप फॉरेन में होते हैं तो वहां पर वॉक कर पाना ज्यादा इजी लगता है। गुड़गांव एज एन शहर का प्रोज एंड कॉन्स, अगर
अगर मैं बात करूं एज एन मार्केट की, सबसे पहले तो जैसे सिटीज डिजाइन की जाती हैं, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली सिटीज होती हैं, कुछ कार फ्रेंडली सिटीज होती हैं, तो गुड़गांव एक कार फ्रेंडली सिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरसेक्शंस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। जब भी हम कभी गुड़गांव शहर के माइक्रो मार्केट्स का नाम लेते हैं तो हम हमेशा रोड्स की बात करते हैं, जैसे SPR रोड, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे, एवरीथिंग इज रोड। मतलब और ये शहर की प्लानिंग भी कुछ इसी तरीके से की गई है। इस तरीके से नहीं है कि जैसे पेरिस प्लान्ड है, लंदन प्लान्ड है, कि आप नीचे गए सबवे लिया और हर जगह घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल व्हीकल चाहिए होगी और मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 व्हीकल चाहिए होंगी, 1 फॉर यू एंड 1 फॉर योर पार्टनर। तो तभी आप डिमांड मीट कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप ऑफिस में हो और बच्चे को कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से पिक करना है आपको, तो यू विल नीड अ कार, स्पेयर कार, जिससे कि आपका ड्राइवर यूज कर पाए या आपके पार्टनर यूज कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर प्लानिंग अ शिफ्ट हियर, कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्लान्ड है, वहां पर अथॉरिटी ने ट्री प्लांटेशन पर बहुत फोकस किया हुआ है, शुरू से फोकस किया हुआ है, बट गुड़गांव में ऐसा नहीं है। तो एयर पोल्यूशन की भी बात करें तो कंपेरेटिवली आपको गुड़गांव में ज्यादा मिलेगा, बट कमिंग ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके से नोएडा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर गुड़गांव ऑफर करता है, क्योंकि जो टॉप 300 के आसपास कंपनीज हैं, जो सबसे ग्लोबली सबसे अच्छी कंपनीज हैं, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, तो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगी। तो लोग कई बार अपनी लाइफस्टाइल मतलब इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, और गुड़गांव के पास इस तरीके की प्रॉपर्टीज भी हैं ऑफर करने को, जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो कंपेरेटिवली इनके प्राइजेस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। जैसे हम कैमेलियाज की बात करते हैं, जो वहां पर सिस्टर्स हैं, DLF ने बनाई हुई है, वो आसपास वहां पर दिल्ली ग्रीन्स लगता है, तो आपको वहां पर ग्रीनरी की कमी महसूस नहीं होती। अगर आप यहीं पर SPR पर आ जाएं, न्यू गुड़गांव पर आ जाएं, तो वहां पर ग्रीनरी की काफी कमी है। तो एक इलीट क्लास इस जगह पर अभी नहीं रहना चाहता, हो सकता है 10 से 12 साल बाद यहाँ पर इंफ्रा के साथ साथ एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, फिर वो प्रॉपरली इनहैबिटेबल हो जाए। बट आज के डेट में अगर देखें तो गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, यही मुझे ऑप्शंस दिखते हैं प्रॉपरली हैबिटेट करने लायक, जिस क्लाइंट बेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं प्रॉपर्टी को, एक अंडर 2 CR, एक अंडर 5 CR, क्योंकि NRIs में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेविंग्स या कॉर्पस लेके लोग आते हैं, एंड जिनसे मेरी बात होती है, जो कभी मुझे कॉल करके पूछते हैं, तो मैंने देखा है कि मोस्टली जो ब्रैकेट है वो 2 CR के आसपास का होता है, जिसमें वो 3 bedroom के आसपास ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले 5 CR की बात हम बाद में करते हैं, पहले 2 CR वाला एक सेक्शन टच करते हैं। तो 1 by 1 आप मुझे बताइए, जैसे कि अगर हम शुरुआती करें न्यू गुड़गांव से, आई थिंक जो टोल के पार जो बना है, खिड़की द्वारा टोल के पार, वो मैंने काफी सुना है कि वहां पर जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी आपके बजट में आ रही है, 1 CR 1.5 CR, इवन अफोर्डेबल भी कुछ सोसाइटीज हैं। तो 2 CR में ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे आपको, आप सजेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं, या कुछ बिल्डर के नाम लेना चाहेंगे कोई प्रॉपर्टी के, वो भी अच्छा हो। अच्छा, बिफोर जंपिंग टू नेमिंग द प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पर ना कुछ फॉर्मुलेट करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी में क्या क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हूँ, इनका पहले ध्यान देना चाहिए। हाँ, एज एन NRI भी, और मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल भी चीजें एप्लीकेबल होती हैं, बस NRI के लिए कुछ चीजें एक्सक्लूसिव हो जाएंगी जो कि आप खुद जानते होंगे पर्सनली, अदरवाइज आप कभी किसी न किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी की बात करें तो आज के अगर मार्केट स्टैंडर्ड की बात करें तो हाई राइज का जमाना है, कम्युनिटी लिविंग में लोग रहते हैं, अगर कोई हाई राइज टावर है, 3-4 towers बने हुए हैं, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वहां पर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है नहीं, जो बेसिक एमिनिटीज आज के दिन में हम कहते हैं, एक प्रॉपर क्लब हाउस, ऑपरेशनल क्लब हाउस होना चाहिए, उसमें जिमनेजियम हो, किड्स प्ले एरिया हो, आपका अगर आपके पेरेंट्स भी साथ रहने वाले हैं तो आपको वहां पर योगा वगैरह, जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनको ध्यान में रख करके ये सारी चीजें, जो इसको आज हम गुड़गांव में बेसिक एमिनिटीज कहते हैं। अगर आप ये चीज कहीं पुणे में चले जाएं, कहीं मुंबई में चले जाएं, बैंगलोर में चले जाएं, हैदराबाद में, तो वहां पर ये एमिनिटीज लग्जरी एमिनिटीज मानी जाती हैं, बट हम गुड़गांव में इसे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हाई राइज का डेवलपमेंट हुआ है,
आगे आने वाले टाइम में गुड़गांव हाई राइज एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि हाई राइज में लग्जरी लिविंग क्या होती है। ये हम आज से 5 से 7 साल बाद देख पाएंगे। बहुत अच्छी हाई राइज डेवलपमेंट्स प्लान्ड है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ कम है। तो कृष्णा जी ये बताइए कि अगर एक एनआरआई वापस आ रहा है, उसको 3 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, तो क्या एक बजट दिमाग में लेके चलना चाहिए फॉर गुड़गांव, एंड व्हाट्स योर रिकमेंडेशन कहाँ पर? तो बजट एक्चुअली गुड़गांव में डिपेंड करता है, एक्चुअली आप हम किसी भी शहर की बात करेंगे तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेलिटी चूज कर रहे हैं। अगर 3 बेडरूम जो नॉर्मल 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के रेंज की बात करें, कैपिटल एरिया रेंज की बात करें, तो गोल्फ कोर्स रोड पर वो तकरीबन 7 CR के आसपास, 7 CR के आसपास कॉस्ट करेगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर आते हैं तो 5 CR के आसपास का कॉस्ट करता है। यही अगर आप न्यू गुड़गांव में जाएंगे तो तकरीबन 4 CR के आसपास कॉस्ट करेगा, 4 to 5 CR। थोड़े से अंदर वाले सेक्टर्स में जाते हैं, अगर 90s वाले सेक्टर्स में जाते हैं तो वहां पर आपको 2.5 के ऑप्शन पे भी मिल जाएंगे ठीक ठाक से। अगर न्यू गुड़गांव में आते हैं तो न्यू गुड़गांव तो जस्ट कवर्ड, बट हाँ द्वारका एक्सप्रेस वे पर आते हैं तो सेम रेंज है जो लगभग न्यू गुड़गांव की है। हल्का सा आई वुड से कि 4 से 5% जो द्वारका एक्सप्रेस वे के चार्जेस हैं वो ज्यादा है। और जो इसके बाद आता है हमारा एस पी आर रोड भी उसी रेंज में मिल जाएगा आपको, तकरीबन 2.5 के आसपास में या नीचे ही मिल जाएगा। और अगर सोहना की बात करें तो वहां पर आपको 1.7 के आसपास में 3 BHK मिल जाता है। सोहना रोड की कनेक्टिविटी आजकल काफी बेहतरीन हो गई है, क्योंकि जब से ये राजीव चौक से एलिवेटेड रास्ता बना है तो इजिली 20 मिनट्स में आप सोहना पहुंच सकते हैं। तो ये है एक बेसिकली एरिया की अगर आप 2 CR के आसपास के बजट पर देख रहे हैं तो आई थिंक जो इन सब में बेटर है वो न्यू गुड़गांव बेहतर है देखने के लिए। सेकंड ऑप्शन आपका होना चाहिए द्वारका एक्सप्रेस वे, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेस वे अभी ऑपरेशन होना बाकी है तो जो सीमलेस कनेक्टिविटी हम बात करते हैं शिवमूर्ति चौक से यहाँ सेंटर ऑफ गुड़गांव की, तो वो अभी पूरी बनी नहीं है, इस साल के आखिर तक बन जाएगी। बट इससे ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सेक्टर के रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसमें जो पाइपलाइंस डलनी हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला काम जो सोसाइटी के लेवल पर होना है और अथॉरिटी के लेवल पर होना है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, ये सारी चीजें लैग करती हैं। और इस तरीके के इंफ्रा को बनने में भी मेरे हिसाब से आज से सात से आठ साल का टाइम है। न्यू गुड़गांव में ये चीज काफी हद तक हो चुकी है। कुछ सोसाइटीज आज भी पानी के लिए टैंकर्स पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अथॉरिटीज वहां पर वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। और ये यही सेम चैलेंज न्यू गुड़गांव आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी है, बट न्यू गुड़गांव वाली चीजें ज्यादा पहले रिजॉल्व होंगी रादर देन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो इस बजट रेंज में आई वुड से कि आपको न्यू गुड़गांव प्रेफर करना चाहिए, एंड सेकेंड आप द्वारका एक्सप्रेस वे कर सकते हैं। फिर हम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी के ऑप्शन, कौन से यूनिट के ऑप्शंस कहाँ हमें मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ अपना टॉक। जैसे अगर फ्रेश लॉन्च की बात करें तो रिसेंटली आशियाना का आमरा था, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी बेहतर होती है, हिस्टोरिकली इन्होंने अच्छा कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया है, वी आर होपफुल कि यहाँ भी कुछ अच्छा ही करेंगे। तो वहां पर अगर देखें तो आपको 2.25 to 2.5 के रेंज में एक एंट्री लेवल का 3 BHK 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का कार्पेट एरिया मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन लेआउट है मेरे हिसाब से। और अगर आप रेटिव पोजिशन में देखें तो आपको सेम बजट रेंज में द्वारका एक्सप्रेस वे पर शाहपुरजी पोलोंजी की प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसकी कि अगेन बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो भी ऑप्शंस दे रहा हूँ, ये सारे हाई राइज के ऑप्शंस हैं। और आजकल जैसा कि मैंने बताया कि गुड़गांव में हाई राइज ही चल रहा है, और हाई राइज में रहना बेसिकली कम्युनिटी लिविंग होती है, लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, वहां पर जिमनेजियम मिल जाता है आपको, मतलब क्लब हाउस मिल जाता है एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया पर, जहां पर लो राइज वाली चीजों में आपको अगर पहले याद हो कि क्लब हाउस तक हमें कार लेकर के जाना पड़ता था, ये वाली चीजें नहीं है, आप सिंपली नीचे आ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, क्लब हाउस में एंटर कर सकते हैं, स्विमिंग पूल हो सकता है आपका, योगा वाले क्लासेस हो सकते हैं वहां पर, एल्डर एज पीपल के लिए कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, किड्स प्ले एरिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज के डेट में, मैंने जैसा बताया कि गुड़गांव में ये बेसिक एमिनिटीज कहलाती हैं, इन सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए बिफोर हंटिंग अ प्रॉपर्टी। अब जब मैं ऐसी चीजें बोलता हूँ किसी को बैकलैशेस भी आते हैं कि क्या गुड़गांव इतना महंगा है कि इस प्रॉपर्टी
इस बजट रेंज में हमें 3 BHK मिल रहा है, इससे अच्छा तो मैं मुंबई चला जाता हूँ, नोएडा चला जाता हूँ, यस यू कैन ऑप्ट टू गो देयर, बट जिस तरीके का आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो आपको उन शहरों में नहीं मिलेंगी। सेकेंड चीज, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज गुड़गांव प्रोवाइड करता है, लाइक लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं तो पैसा खर्च करने में उन्हें कोई बुराई नहीं, तो इस वजह से ओके भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। नहीं, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मैं इनफैक्ट खुद 6 साल गुड़गांव में रहा हूँ, तो मुझे गुड़गांव का इन एंड आउट काफी कुछ पता है। और मैंने गुड़गांव को वैसे ग्रो होते हुए देखा है, फ्रॉम नथिंग टू व्हाट इट इज नाउ। ओके, तो गुड़गांव का जो मेन पॉइंट है वो है वहां का कॉरपोरेट कल्चर। जो कॉरपोरेट वहां पर आए हैं, Fortune 500 कंपनीज जो जिन्होंने अपना ऑफिस बनाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट और बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो वाटर हो चाहे वो सीवर हो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद भी कोई 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्चे खर्च हो तभी रहा, क्योंकि उसे मिल रहे हैं वहां से और वो नहीं इतना ट्रैवल करना चाहता तो गुड़गांव में ही रहेगा। नहीं तो ट्रैवल अगर वो कर सकता है तो वो दिल्ली में या नोएडा में, कहीं थोड़ा सा बाहर जाके, सोहना में बाहर जाके कम पैसों में रह सकता है। वो बीच में रहना इसलिए चाहता है क्योंकि एक तो वो ट्रैफिक अवॉइड, दूसरी बात उसको पैसा वो अफोर्डेबल है उसके लिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया न्यू गुड़गांव के बारे में, सबसे पहले आप बताइए न्यू गुड़गांव में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? ये आपके सेक्टर शुरू होते हैं 80s से आपके 95 तक जाते हैं, तो ओके अगर ओके जैसे खिड़की धौला क्रॉस करते हैं तो 83 से चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर 81, 90 भी बगल में पड़ जाता है, फिर 90s के सेक्टर स्टार्ट होते हैं, 92, 91, 93, 95, 89 भी ओके आता है हमारा, 88 भी आता है। तो ये सेक्टर्स हैं जो आज के डेट में भी हैबिटेबल है, लोग रहते हैं, ओके प्रॉपर IV स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल ऑपरेशनल हैं, सड़कें पूरी चौड़ी बनी हुई हैं, आपको इजिली 100 मीटर वाइड रोड्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने ओके बताया कि गुड़गांव प्लान ही एज एन सिटी, जो कार फ्रेंडली सिटी जिसको कहते हैं, डिजाइन ही ऐसे किया गया है, तो जो सड़कें हैं वो आपको कंफर्टेबली चौड़ी मिलेंगी, आपको ट्रैफिक लाइट फ्री मिलेगा, कहीं भी आपको रेड लाइट वगैरह के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके के जो ओके इंटरसेक्शन बने हुए होंगे। तो जो जहां तक मैं जानता हूँ न्यू गुड़गांव के बारे में, वो टोल क्रॉस करना पड़ता है हाँ, ये वो और टोल की क्रिटिकल वजह से काफी देर लाइन में भी लगना पड़ता है, और जितनी बार आपको इधर आना है उतनी बार पैसे देने पड़ेंगे। वो पास बन जाता है मंथली, दैट आई नो, बट वो टाइम सारा वेस्ट होता है। बट जब से द्वारका एक्सप्रेस वे बनाए, मैंने सुना है कि लोग सीधे द्वारका एक्सप्रेस वे से निकल वो जाते पर हैं डन। पकड़ के, एग्जैक्टली वो उस पर पकड़ के हाँ न्यू गुड़गांव की तरफ निकल जाते हैं। तो आज के एग्जैक्टली डेट में फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आपको उस खिड़की दौला का एटलीस्ट वेट करने की जरूरत नहीं है, उस लाइन में जाने की जरूरत। तो क्या द्वारका एक्सप्रेस पे भी अभी टोल है या फिर आगे आके टोल लगेगा? वहां पर जैसा कि सुनने में आ रहा है, गडकरी जी ने बोला है, ऐसा कोई टोल के लिए आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ सैटेलाइट से ओके मॉनिटर होगा, तो ओके ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं कतार में लगने की जरूरत। ओके 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 अंडरस्टूड। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से हाँ, न्यू गुड़गांव इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहां पर थोड़ा प्लान वे में चीजें हैं, मैंने देखा हुआ है वो एरिया, और वहां पर रोड्स भी काफी चौड़ी बनाई है, और ये काफी कुछ रिजोनेट कराता है। जैसे एक नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन है, ग्रेटर नोएडा का एरिया, जिसमें काफी, बट वो काफी क्राउडेड हो गया क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल था, वहां लोगों पर के बजट में आ रहा डेंसिटी, था। बहुत ज्यादा है, पूरे के पूरे हाँ फंक्शन की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, हर एक एग्जैक्टली बजट के लगभग डेंसिटी 200 बहुत ज्यादा है, नोएडा डेढ़ सौ एक्सटेंशन। एक पर एकड़ की डेंसिटी पर बने हुए हैं यहाँ जी पर जी ऐसा। जी और इनफैक्ट प्राइस में भी डबल का डिफरेंस है। मैंने तो बस इसलिए बताया है कि वो एकदम एरिया बाद में बन के आया, जैसे न्यू गुड़गांव एकदम से इमर्ज हुआ, राइट? तो सब लोग उसी तरफ भागे क्योंकि मेन नोएडा में अगर कोई लेता है तो उससे 70% कम या 50% कम में उसे मिल रहा था वहां पे। तो न्यू गुड़गांव के आपने एक ऑप्शन बताया, दूसरा आपने द्वारका एक्सप्रेस वे बताया फॉर अराउंड 2.5 CR। तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जहां तक मुझे मेरा आइडिया है कि हाँ, उसमें एग्जिट्स निकाले हैं और उसमें काफी कुछ जो रोड्स हैं, जो नीचे की सब लेन्स हैं, वो भी काफी बना दी है। तो जो जो द्वारका एक्सप्रेस वे, इज इट फुल्ली फंक्शनल? और उसमें 5-7 साल अभी बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं, इस लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब भी चाहिए होते हैं। क्या वो रेडी है द्वारका एक्सप्रेस वे उसके लिए? द्वारका एक्सप्रेस वे को अगर हम कहें कि दिसंबर के टाइम फ्रेम में वो
शिव मूर्ति से यहाँ तक ऑपरेशनल हो जाएगा जहाँ खिड़की दौला टोल की बात कर रहे हैं। बट अगर सेक्टर रोड्स की बात करें तो यहाँ की अथॉरिटी अभी भी सेक्टर रोड्स पर काम करना बाकी है। प्रॉपर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर कनेक्टिविटी, सीपेजेस वगैरह, क्योंकि हम वाटर जनरेट करेंगे वो वाटर कहाँ से निकलेगा, यहाँ भी अभी तक ये चीजें नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जैसे बारिश होती है सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी लग जाता है, वो पानी जाएगा कहाँ पर। ऑल्दो ये चैलेंजेस गोल्फ कोर्स रोड पर ही भी हैं, बट वहां पर हम ये देखते हैं कि पानी तो बहुत भर गया लेकिन 1 से 1.5 घंटे बाद पानी निकल जाता है। तो बारिशें होती हैं, पानी हर जगह लगता है, इशू नहीं है। हमें ये देखना चाहिए पानी निकलता कितने देर में है। अगर वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में निकल जा रहा है तो पब्लिक हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, अगर वो 1 हफ्ते तक है तो वो डालता है। और ये हाल है अभी द्वारका के सेक्टर्स, द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स का। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी 5 से 7 साल ये टाइम देगी। गवर्नमेंट है, चेंज होती रहती है, अगली बार कोई और आ सकता है, कोई और आ सकता है, ऐसे ही चलता है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, जिस तरीके से सेक्टर रोड्स पर काम करना चाहिए, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे तेजी दिखाई काम करने में, उस तरीके की तेजी अभी तक यहाँ की अथॉरिटीज ने सेक्टर रोड्स को डेवलप करने में नहीं दिखाई है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ऑल्दो प्रॉपर्टी के प्राइसेस मैंने बताया कि कहीं भी एक अच्छा 3 BHK 2 CR से कम में नहीं। मतलब मैं तो कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि 2.5 CR NRIs के लिए भी ये ज्यादा पैसा है, तो जो लोकल यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोकल कमा रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली ज्यादा है क्योंकि पैकेज डिफरेंस तो काफी रहता है ना NRIs का यहाँ पे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हाँ मे भी आपको शौक लगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी चीजें, दिक्कतें इन ना होती, हम अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही होती, नोएडा की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, होता, तो क्या प्राइसेस गोल्फ कोर्स रोड के इतने होते? मजबूर है, मतलब जिसके पास पैसा है, राइट, वो लोग नहीं चाहते इस इन जगहों पर जाकर के रहना, इसलिए जो ऑलरेडी इनहेबिटेड जहां पर इंफ्रा बना हुआ है उसके प्राइसेस स्काई रॉकेट है। हाँ वो इतने डिजर्व, मतलब इतना उसका ROI अल्टरनेट मुझे नहीं लगता। 50 करोड़, 70 करोड़, ऐसे ऐसे अपार्टमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन क्या है? आप वहां पर जा नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास पैसा है, आप यहाँ खरीद सकते हो। तो जिसके पास पैसा है वो सब कोई गोल्फ कोर्स रोड पर सेटल होता जा रहा है, और अथॉरिटी बाकी सेक्टर्स पर काम नहीं कर रही है। जैसे DLF की प्रॉपर्टी है न्यू गुड़गांव में, DLF अल्टिमा, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, एजिंग लाइक अ वाइन, लेकिन उसके जैसे ही आप अल्टीमा से बाहर निकलेंगे बारिशों में वहां पर पानी लगा रहता है, बिल्कुल सड़क टूटी हुई है पूरी। अब कोई एग्जीक्यूटिव क्लास का बंदा जो ठीक ठाक अर्न कर रहा है वो वहां पर 5 CR का 3.5 BHK लेना प्रेफर नहीं करेगा, वो फिर गोल्फ कोर्स रोड पर ही चला जाएगा, भले 2 BHK में या बड़ा ले लेगा अगर उसके पास फंड्स अवेलेबल है। तो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जनरली कंट्रीब्यूट्स इन प्राइस हाइक, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इसीलिए मैं एक अगला जो वीडियो बनाऊंगा नोएडा पे बनाऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट वो सारे इश्यूज यहाँ तो एड्रेस हैं, बट यहाँ पे दूसरे इश्यूज हैं, हम उनकी भी बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी अब आप मेरा सेगमेंट बदल देता हूँ मैं, अब 5 CR की बात करते हैं। ठीक है, अगर 5 CR का ऑप्शन है एंड अफोर्डेबिलिटी है NRIs के लिए, तो आप कुछ ऑप्शंस क्या सजेस्ट करते हैं? अब सबसे पहला जो ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ पर काफी बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं, MR की हैं, आपकी M3M की हैं, जैसे गोल्ड स्ट्रीट इज अ गुड प्रॉपर्टी टू बी इन, तो इन सारी जगहों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड से लगा हुआ है। हर एक वो दिक्कतें जहाँ जो हम बातें कर रहे थे एक्सटेंशन पर आज एग्जिस्ट करती हैं, बट वो अगले 1.5 से 2 साल में मिटिगेट होने वाली है। तो ये बेहतर, ज्यादा बेहतर ऑप्शंस लगते हैं मुझे यहाँ के कॉन्डोज में आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आप इधर की साइड आना चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर आना चाहते हैं, तो काफी बेहतर ऑप्शंस हैं सेक्टर 108 में, सेक्टर 106 में, जैसे गोदरेज की एक प्रॉपर्टी है मेरेडियम, शोभा की प्रॉपर्टी है जिसमें कि विद इन कैंपस वो एक फुल साइज का क्रिकेट पिच स्टेडियम टाइप का ऑफर करते हैं, और बहुत बेहतरीन एमिनिटीज है, वो भी एक टाइमलेस प्रॉपर्टी है आज के डेट में भी अगर देखें तो वो कंसिडर की जा सकती है। मैं DLF अल्टीमा आपको बताया ही, अंडर कंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस में अगर देखें तो एक्चुअली 5 CR में ना काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। गुड़गांव में इलान का द प्रेसिडेंशियल है, वो भी कंसिडर किया जा सकता है, क्रिसुमी का वाटरफॉल रेजिडेंसिस है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो 5 CR पर 3 BHK आई वुड से कि
हर एक सेक्टर में लगभग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे रेडी टू मूव इन हो, चाहे नियरिंग पोजीशन हो या फ्रेश कॉन्शियस हो, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अभी मैं ना एक एरिया को टच करना चाहता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है सोना। मुझे याद है जब मैं गुड़गांव से मथुरा की तरफ जाता था तो सोना से होते हुए रोड जाता है, ठीक है, और वो रोड उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था, उस पर जाम रहता था बादशाहपुर पर, और अभी बिकॉज ऑफ मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा उन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिया स्टार्टिंग फ्रॉम राजीव चौक। तो अगर कोई सोना लेता है घर और उसे 20 मिनट ही लगते हैं राजीव चौक आने में, और लेट सपोज जो सेंटर है वो गुड़गांव का मान के चलते हैं कि वो इको चौक है फॉर एग्जाम्पल, इको चौक पे मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं, तो उसे कितना टाइम लगेगा पीक आवर्स में भी, इंक्लूडिंग पीक आवर्स नॉन पीक आवर दोनों बताइए। और दूसरा, वहां पे सोना में अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या बेनिफिट है, मींस थोड़ा पोल्यूशन कम या ग्रीनरी ज्यादा है, या फिर वो गांव वाला टच रहेगा, क्योंकि मुझे याद है वहां पे थोड़ा सा ये भी था कि पहाड़ वहाड़ भी, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बिल्कुल पहाड़ के एकदम कोने में बनाई है तो बड़ा अच्छा लुक आता था, तो उस एरिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देखें, जिस बजट सेगमेंट की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से आपको यही रहना चाहिए। बट अगर प्योर इन्वेस्टमेंट सेंस आप बना रहे हैं तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनने वाला है, तो आज से 5 साल बाद यस वहां पर एक अच्छी वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर पीक आवर्स की बात करें तो अगर आप सोहना के लेट से 35 से निकलते हैं या 33 से निकलते हैं तो इफ्को चौक आने में 20 मिनट राजीव चौक और 15 मिनट और लगा सकते हैं, तो 35-40 मिनट्स में आप पीक आवर्स में इजिली इफ्को चौक तक पहुंच सकते हैं। और जनरली हम सुभाष चौक को अगर देखें, अगर आप आईटी में काम करते हैं तो सुभाष चौक इज अ प्लेस जहां पर काफी सारी आईटी कंपनीज हैं, तो सोहना से सुभाष चौक की कनेक्टिविटी 15 मिनट्स की है या 17 मिनट्स की मान सकते हैं, इस वजह से लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वहां पर शिफ्ट होना, स्पेशली जो सुभाष चौक के आसपास के आईटी कंपनीज में काम करते हैं वो ये एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं या मीन द एलिवेटेड रोड पकड़ते हैं और सोहना में चले जाते हैं। सोहना में आज भी आप तो जैसा मैंने बताया 3 BHK 1.5-1.75 पर पा सकते हैं, लो राइज डेवलपमेंट भी मिल सकती है आपको, हाई राइज भी मिल सकती है वहां पर। जो अभी डेवलपमेंट है, जो हमारा एलिवेटेड रोड है उसके जो आसपास के सेक्टर्स हैं उधर ही डेवलपमेंट है, थोड़ा सा आप हाई राइज में हायर टावर्स हायर फ्लोर्स पर चले जाएंगे तो आपको प्रॉपर अरावली के व्यूज मिल जाएंगे, फार्म व्यूज मिल जाएंगे, आसपास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो आपको एयर भी क्लीन मिलती है, इस तरीके का शोर शराबा नहीं होता और आप शहर से इजिली 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर हैं। तो जितना टाइम आपको न्यू गुड़गांव के सेक्टर 93 से सुभाष चौक आने में लगेगा या इफ्को चौक आने में लगेगा, उतना ही टाइम आपको सोहना के किसी XYZ सेक्टर से इफ्को चौक आने में लगेगा। तो यस वहां भी इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, बट उस तरीके के अभी जो पब्लिक एमिनिटीज हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज इन प्लेस नहीं। स्कूल, हॉस्पिटल, योर मींस बेसिक जो चीज चाहिए होती है, स्कूल्स हो गया रहा है एजुकेशन का आज के डेट में भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉस्पिटल्स नहीं है। आई अंडरस्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं है इनके आज के डेट में भी, और सोहना हमारा न्यू से लगता है, अभी रिसेंटली हमने न्यूज सुनी थी न्यू में क्या हुआ था, तो थोड़ा सा जो भी है वो अलग है, एंड बिकॉज गुड़गांव इतना ग्रो कर गया कि वो जो दो शहरों के या दो जगह के बीच में, जो जैसे मानेसर के बीच में जो लगता है कि हाँ दूसरे सिटी आ रहे हैं, वैसा कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ग्रो कर गया, इतना एक्सपेंड कर गया। अब हम ये भी सोचेंगे तो सोहना के आगे हम नहीं जा सकते, सोहना के आगे नू, नू के आगे फिर एक और कुछ छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद फिर राजस्थान लग जाता है ना, तो अलवर पड़ता है, पीक बाउंड्री हिट कर चुके हैं, तो यस सोहना विल डू वेल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अंडरस्टूड। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मैं समराइज करूं तो कम से कम 2.5 CR इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इफ न्यू कंस्ट्रक्शन इज देयर, एंड और 5 CR में जाके अंडर 2.5 to 5 CR के कंफर्टेबल एक अच्छी लोकेशन पे, जैसे कहते हैं ना सब कुछ एवरेज हो, ऐसा नहीं कि केवल घर अच्छा मिल गया लेकिन बगल में प्रॉब्लम है, सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो अगर सब कुछ एवरेज अगर करना है तो कम से कम वो आपको 4-5 CR के उसमें रेंज में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपकी बात से समझा। अब मेरा जो, अब मैं पॉडकास्ट के एंड में हम लोग पहुंच रहे हैं, एक और
मेरा क्वेश्चन है जो कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं या पूछ सकते हैं, क्या प्लॉट के या कोठी के ऑप्शन बचे हैं या बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं या रीसेल में हैं? आप फिर भी सोना में देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोठी, इंडिपेंडेंट विलास, प्लॉट का ट्रेंड जा रहा है, जा रहा है या ओके क्योंकि वो प्लॉट के प्राइसेस देखिए पहले बहुत ज्यादा अच्छा था ये सारे ऑप्शंस, क्योंकि लैंड की वैल्यू ही नहीं थी, जो भी था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, क्योंकि मटेरियल के कॉस्ट इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर ले तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे, और उस टाइम पर एक टाइट भी होता था इस तरीके की चीजें अपने पास रखना। बट आज के डेट में अगर देखें, आप लो राइज सोसाइटी में अगर रहते हैं तो सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू। आप वहां पर 2 tier सिक्योरिटी ऑफर कर भी देंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स बच जाते हैं, और अगर देखें क्लब हाउस तक आपको अगर स्विमिंग पूल तक होकर के जाना है तो यू विल हैव टू पुट योर कार राइट, पुट आउट योर कार एंड देन यू विल गो देयर। बट ये सारी चीजें आज के कॉन्डोज में आप इजिली अचीव कर सकते हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज नहीं हो सकते, आप अपनी फैमिली को छोड़ करके एक हफ्ते के लिए भी कहीं बाहर टूर पर जा सकते हैं, लो राइज वाली सोसाइटीज में नहीं जा सकते क्योंकि इस तरीके की चीजें नहीं होती यहाँ पर। ये सारी चीजें tier 2 cities में, tier 3 cities में सक्सेसफुल होंगी, बट गुड़गांव जैसे कॉस्मोपोलिटन एरिया में नहीं सक्सेसफुल। हाँ, नहीं आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को वो टाइम भी याद है, जैसे आज से अगर मैं 10 साल पुरानी बात करूं तो उस वक्त तक भी सुशांत लोक में लोग ये कहते थे ठीक है एक प्लॉट मिल रहा है 1.5 करोड़ का, उस पर 3 फ्लोर बना देंगे, जैसे बिल्डर बना देते हैं और वो अलग अलग फ्लोर बेच देते हैं, ठीक है, तो एक एक फ्लोर आपका 70 लाख 80 लाख या करोड़ का बिक गया तो उसमें प्रॉफिट कमाते थे, तो वो करते करते सुशांत लोक भी भर गया पूरा। एंड आई थिंक जहां जहां जमीन बिकी बची थी और जैसे जैसे इतने ज्यादा डिमांड आया तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता चला गया, धीमे धीमे सब उसको हाई राइज की तरफ ही चले गए कि अब वो अफोर्डेबल ही नहीं रहा, और उसमें इंटरेस्ट भी लूज कर रहे हैं लोग कि वो कोठी के कल्चर में बहुत सारा हेडेक अपने ऊपर आ जाता है रादर देन कोई और मैनेज करे, राइट? तो आई अंडरस्टैंड, एंड जो पुराना गुड़गांव में सेक्टर 4 है, सेक्टर 5, सेक्टर 23, सेक्टर 22, उसमें अभी भी लोगों की जो पुरानी कोठियां बनी हुई है, पुराने घर बने हुए हैं, वो लोग रह रहे हैं, लेकिन नए ऑप्शंस तो काफी कम है। ये बात मैंने भी काफी लोगों से सुनी है, इसमें ये जैसे मैं आपका कुछ उससे उससे सबसे बड़ा चैलेंज बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट skill+4 skill+3 अलाउ करती है, जैसे आपने बहुत प्यारी सी कोठी बना रखी है, आपके कहना? बगल वाले लैंड पार्सल पर भी skill+4 बन गया और इधर वाले लैंड पार्सल पर भी skill+4 बन गया, सामने भी बन गया, तो आपकी कोठी की वैल्यूएशन रही नहीं है। अगर देखा जाए तो धूप प्रॉपर नहीं आएगी, एयर ब्लॉक करेंगे वो, तो आप ये सोचिए कि 5 मंजिले की बिल्डिंग आसपास बनी हुई है और आप अकेले 1 मंजिला या 1.5 मंजिले की चीज रखते हो, तो वो आज वर्थ नहीं है इस तरीके की चीजें करना। इस तरीके के इंडिपेंडेंट विलास वही अच्छे लगते हैं जहाँ हर जगह इंडिपेंडेंट विलास, और जैसे इससे न्यू दिल्ली के भी एरिया में आप देखते हैं, न्यू दिल्ली के एरिया में जैसे कि आप देखते हैं, बहुत बेहतरीन लगते हैं। या अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो यही मेरे सारे क्वेश्चंस थे आज के, और गुड़गांवा को जाने लेकर। से पहले सॉरी मोहन जी, मैं एक प्रो ट्रिप देना चाहूंगा फॉर ऑल NRIs। देखिए जो मेरी भी इंटरेक्शन होती है NRIs के साथ, ये बेसिकली वहां पर रह करके, कहीं बाहर के देश में रह करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो इंक्वायर करते हैं कि आने के बाद शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए 2-4 टिप्स मेरी तरफ से मैं ऑफर करना चाहूंगा, ये वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक देखी है तो एक बहुत बढ़िया चीज लेकर के जाएं, और ऐसे सीरीज हम और भी लाते रहेंगे जैसा कि बिल्कुल जी ने बताया। तो एक प्रो टिप ये हुआ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में आना ही है तो बेस्ट चीज ये होगी कि अगर आप पहले रेंट पर रह लें उस सोसाइटी में जहां पर आप कंसिडर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बाहर से प्रॉपर्टीज इंक्वायर करते हैं, वहीं से खरीदना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कई सारे कंसल्टेंट से बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद भी आपकी कन्विक्शन डेवलप नहीं हो पाती, चाहे आप एंड यूज के लिए ले रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ। आई नो NRI जो हर एक यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं उसके बाद भी कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आप खुद से जाकर के देखते हैं उस लोकेशन को, उस प्रॉपर्टी को, तो वो कन्विक्शन ज्यादा बेहतर डेवलप होती है रादर देन आप किसी से बात करके कर रहे हो या वर्चुअली कर रहे हो। अभी तक हम कंफर्टेबल नहीं हुए हैं वर्चुअल टच से, हमें फिजिकल टच चाहिए ही होता है। तो यस, अगर प्रॉपर्टी कंसिडर करनी है, आपको आना ही है, तो आकर के रेंट पर रह करके एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी वही कंसिडर करें। पहले अच्छा पहले क्या होता था, NRIs के साथ जब वो बाहर चले जाते थे तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस काफी बेहतर हो जाता था, तो जो उनका इंडिया का सर्कल होता था वो काफी नीचे रहता था, जब वो वापस आते थे तो उस तरीके का उनको मतलब सोशल
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था, उस तरीके के लोग नहीं मिलते थे, तो दे आर फोर्स टू अपग्रेड देयर लाइफ स्टाइल। आज के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया भी ग्रो हुआ है, तो आप हो सकता है कि अगर आप वापस आ रहे हो तो आपके बुआ जी का लड़का भी गुड़गांव में किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहा हो, तो आपको इस तरीके की सोसाइटीज पहले प्रेफर करनी चाहिए, भले ही आपके बजट से थोड़ा सा कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है। तो जिस सोशल लाइफ के लिए आप इंडिया में आ रहे हैं उसको प्रायोरिटी दें, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, जहां वो रह रहे हैं वहीं आसपास आप भी ले लें, उसी टावर में ले लें, उसी सोसाइटी में ले लें, या एटलीस्ट उसी सेक्टर में ले लें, ये बेहतर रहेगा। कोई ये नहीं बताना चाहता क्योंकि लोग एनआरआईज को बहुत इजी टारगेट मानते हैं पैसा बनाने के, राइट? तो ये मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा जाते जाते। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि अगर सब कुछ वहां पे अच्छा होता तो कोई इंडिया आता ही क्यों। इंडिया लोग आते हैं फॉर सम रीजंस। सबसे बड़ा रीजन उसमें जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है लोनलीनेस या फिर होमसिकनेस, जो उनकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल उनका जो सर्कल है वो उसको मिस कर रहे होते हैं। तो अगर वो आ ही रहे हैं तो फिर प्रॉपर उसको एंजॉय भी करना चाहिए, और एंजॉय करना है तो आसपास रहिए जिससे आपके ज्यादा आपके अटैचमेंट है, चाहे वो आपकी सिस्टर, ब्रदर या बहुत क्लोज कोई फ्रेंड है। तो ये भी बात, ये भी फैक्टर अगर दिमाग में है तो वो सेक्टर और वो सोसाइटी सिलेक्ट करने में इजी हो जाएगा। तो ये बात मैं मानता हूँ आपकी। एंड यस, ये बात भी मैं आपको आपके मानता हूँ कि पहले 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि कोई एनआरआई बाहर गया है, वापस आया तो उसकी जो अर्निंग या कॉर्पस है उसमें और इंडिया में बड़ा डिफरेंस होता था। अभी जो यहाँ पे रह रहे हैं, कभी इन्होंने इंडिया से बाहर कुछ देखा नहीं है, पता चला कि वो भी वही सोसाइटी में रह रहे हैं या ले रहे हैं जिसमें हम आके प्लान कर रहे हैं, जबकि हम वहां से कमा के ला रहे हैं और वो यहीं पर ही जॉब कर रहे थे। मे बी उनको एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉपर्टी में कुछ मिल गया या सपोर्ट मिल गया फादर से, मे बी वाइफ भी वर्किंग थी यहाँ पर, मे बी इनका पैकेज अच्छे, कोई भी रीजन, हाँ, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये भी एक वो जो डिफरेंस था ना वो खत्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, उसमें मुश्किल से मुश्किल 14, इसमें टोटल अगर 1400 फैमिली रहती है, और मैं अगर एक एनआरआई हूँ और मेरे जैसे मान लीजिए 10-20-30 लोग और हैं, तो बाकी बचे हुए तो 1300-1350 फैमिली तो यहीं पर रह रहे ना, और यहीं पर ही कमा रहे हैं और यहीं से ही उन्होंने लिया है, एंड दे आर वर्किंग इन आई टी कंपनीज मोस्टली। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे ही है। तो इसलिए वो थोड़ा माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है। तो हैविंग सेड दैट, आज के पॉडकास्ट को अब हम यहीं पर रोक देते हैं, और अगला वीडियो लेके आएंगे उसका हम लोग सिटी चूज करेंगे, शायद नोएडा के ऊपर बनाते हैं, एंड देन वी विल मूव टू पुणे एंड हैदराबाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू कृष्णा फॉर कमिंग। थैंक यू, सी यू अगेन।